मैं श्रीमती नंदिनी राजपूत शासकीय प्राथमिक शाला नानकुलाली विकासखंड पाली जिला कोरबा से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न। ये क्लास 3 का है, मेन सब्जेक्ट का है भिन्न। तो बच्चों आप लोग जानते हैं भिन्न का मतलब क्या होता है? नहीं पता तो देखिए मैं बताती हूँ। भिन्न का मतलब होता है बांटना या अलग करना। देखिए ये आज हम पढ़ेंगे। ये देखिए ये क्या है जी, इधर आ जाओ। ये क्या है? रोटी। क्या है? इसको खाते हो ना जी, इसको क्या बोलते हैं? रोटी। आज हम पढ़ेंगे इसी रोटी के बारे में। ये किस एक गोल रोटी है ना, तो ये पूरे गोल जब रहती है तो उसको बोलते हैं एक हिस्सा। ये देखिए ये क्या कहलाएगा? एक हिस्सा। और जब इसी रोटी के दो टुकड़े कर दिए, ये देखिए ये रोटी के दो टुकड़े हुए, दिख रहे हैं आपको जी? ये आधा आधा है ना, तो इस रोटी के दो टुकड़े हो गए, इसको हर एक हिस्सा कहलाएगा। ये आधा, ये भी आधा कहलाएगा, ये भी आधा कहलाएगा। तो ये देखिए इसी रोटी के हम अगर दो टुकड़े कर दिए तो क्या कहलाएगा? एक बटे दो, एक बटे दो, या आधा भी कहते हैं इसको। अब इसी रोटी के देखिए चार हिस्सा कर दिए। ये देखिए इस रोटी के अगर हम चार हिस्सा कर दिए, दिख रहा है? देखिए इधर देखिए इस रोटी के कितने हिस्से हैं? चार हिस्सा। तो चार हिस्सा में का हर एक हिस्सा कहलाएगा एक बटे चार। ये भी एक बटे चार, ये भी एक बटे चार, एक बटे चार, एक बटे चार। और अगर हम तीन हिस्सा को लिए, ये देखिए इसमें का तीन हिस्सा, तो ये कहलाएगा तीन बटे चार। ये देखिए ये तीन हिस्सा को कर लेंगे, ये कहलाएगा तीन बटे चार या पौन हिस्सा। क्या कहलाएगा जी? पौन हिस्सा। और अगर एक ही हिस्सा को लेंगे, सीधा एक हिस्सा को, इसमें का एक हिस्सा बस लिए, तो कहलाएगा एक बटे चार या पाव। इसको कहते हैं पाव। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारे पास? कागज है। देखिए अगर हम इसको तीन हिस्सा कर रहे हैं, ये देखिए कागज की अगर हम तीन हिस्सा किए, एक दो तीन, तो हर एक हिस्सा कहलाएगा एक बटे तीन, एक बटे तीन, एक बटे तीन, या कहते हैं एक तिहाई। ये देखिए इसमें का अगर हम तीन हिस्सा किए बराबर बराबर, तो हर हिस्सा कहलाएगा एक बटा तीन। दो हिस्सा लिए तो दो बटा तीन, तीन हिस्सा लिए तो तीन बटे तीन। तो इस प्रकार हम भिन्न को समझ सकते हैं। तो बच्चों आज का आपका सवाल है कि अगर इस कागज के तीन हिस्सा किए हैं, कागज के तीन हिस्सा किए हैं, तो इसमें का दो हिस्सा को कैसे कहेंगे, क्या बोलेंगे? उसको आप कॉपी में लिख के जरूर बताइए कि इसको कितने बटे के रूप में किस प्रकार लिखेंगे। उसी प्रकार इस रोटी के अगर चार टुकड़ा है तो उसमें का एक टुकड़ा को क्या कहेंगे, ये आपका सवाल है। और आप उसको जरूर लिख कर बताएं। अगले वीडियो में जरूर इसको पूछूंगी। थैंक